हेलो एंड वेलकम। ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल के कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को 16 लेक्चर में रविंद्र सर ने कंप्लीट किया और जो 17th लेक्चर है उसमें आपका फैक्चुअल पार्ट कंप्लीट हुआ। बच्चों बचा आप करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर के कंटेंट जो है कहीं भी पूरे नहीं मिल रहे हैं बच्चों। तो बच्चे बहुत ही परेशान हैं और हमसे डाउट पूछते हैं कि करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो हमारे रिसर्च टीम ने बहुत ही रिसर्च करके सारे कंटेंट्स को आपके लिए लेके आया है बच्चों। जनवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी कंटेंट हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल की, सारे कंटेंट को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो जो भी कंटेंट्स मैं बताऊंगा अगर वो आप मिस कर जाएंगे तो आप एक या दो नंबर से पीछे रह जाएंगे, फुल में फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। 24 नंबर का जो मार्क्स आता है बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल का, तो उसमें करंट अफेयर क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे बच्चे कम नंबर स्कोर कर पाते हैं। तो करंट अफेयर नहीं जानने की वजह से कम आता है नंबर, लेकिन करंट अफेयर आप लोग का मैं पूरा प्रिपेयर करा दूंगा बच्चों, ताकि आप फुल में फुल स्कोर कर पाए। और जो भी कंटेंट्स मैं बताता चलूंगा, जो आपको समझ में आएगा उसको अलग जगह लिखिएगा या नोट कर लीजिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है उसको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि उसे आप फिर से अच्छे से पढ़ सकें, ताकि आपका करंट अफेयर में कोई भी डाउट ना रहे। टोटल आपका कवर करा दिया जाएगा यहाँ पे। हमारे रिसर्च टीम के लिए एक लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत किया हमारी रिसर्च टीम ने। हम किसी भी वीडियो में आपसे लाइक या शेयर करने को नहीं कहते हैं। इस वीडियो में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो ये करंट अफेयर है हमारे रिसर्च टीम ने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। देखिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को समझते चलेंगे। हर मंथ में हर एक डेट को क्या क्या चीज़ें हुई HIRD एंड DFCCIL में। तो सबसे पहले हम लोग जनवरी में देखते हैं कि क्या क्या डिसीजंस लिए गए, किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया। सबसे पहले जो है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को श्री सुनील शर्मा जी ने चार्ज लिया, न्यू CEO और न्यू चेयरमैन का चार्ज टेक ओवर किया। दूसरी जो चीज़ें हुई थी वो न्यू मॉडल ऑफ HRMS ऑपरेशन में आया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो HRMS क्या है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। 2 जनवरी को क्या हुआ था? 2 जनवरी को जो है वो नया रिकॉर्ड कायम किया गया, जो फ्राइट कॉरिडोर में लोडिंग होती है, तो जो लास्ट ईयर का आंकड़ा है वो 108.84 मिलियन टन है, लेकिन 2021 में जो है वो 118.13 मिलियन टन है, यानी कि टोटल 8.54% का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये भी एक नया अचीवमेंट है इंडियन रेलवे के लिए। और अगर पैसे के मामले में देखा जाए कि कितना इनकम इंडियन रेलवे ने कमाया है, तो वो जो लास्ट ईयर का है वो 11,030.37 करोड़ है, और 2021 में जो है वो 11,788.11 करोड़ है। तो ये भी जो है 6.87% का इंक्रीमेंट है। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, अचीवमेंट जो है इनका पैसे के मामले में। दूसरा जो है 4 जनवरी को नई फ्राइट ट्रेन चलाई गई, जो कि गेम चेंजिंग कहलाता है, इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं कॉरिडोर में उससे ज़्यादा स्पीड पर चलेगी। तो जो ईस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का सेक्शन है, न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर के लिए चलाई गई थी फ्राइट ट्रेन, जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर चलेगी। और 5 जनवरी को जो है हमारे जो ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हैं, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने, इन्होंने फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया, जहां से आप लोग डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें फ्राइट कॉरिडोर पे जाके सारी चीज़ों को करना होता था, ट्रांसपोर्टेशन से अगर हमें करना है ट्रांसपोर्टेशन, कुछ चीज़ों को भेजना है यहाँ से वहाँ, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी क्वेरी हैं डायरेक्टली वहाँ जाकर करना पड़ता था। लेकिन ये पोर्टल लॉन्च होने से डायरेक्टली आप घर बैठे सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। अगला जो है 5 जनवरी को कर्नाटका जो हुबली है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो कि 1505 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। तो हुबली के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया,
कि जो ये सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है तो इसका जो लेंथ है वो 1505 है। मिस्टेकली यहाँ 1500 लिखा हुआ है लेकिन 1505 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। अब देखिए 6 जनवरी को क्या हुआ था बच्चों, 6 जनवरी को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC ने डिज़ाइन किया बैलेस्टलेस ट्रैक जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के चलने के लिए सूटेबल है। तो बैलेस्टलेस ट्रैक बनाया गया जो कि 180 किलोमीटर अगर ट्रेन चलेगी तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग की गई जो कि हमारे कंट्री का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा किया गया। 7 जनवरी को क्या हुआ बच्चों, 306 किलोमीटर यानी कि न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार सेक्शन राजस्थान सेक्शन यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओपन किया गया। जो आप जानते होंगे तो वेस्टर्न कॉरिडोर यहाँ पे ओपन किया गया है 306 किलोमीटर का न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार सेक्शन के लिए। अगला जो है 7 जनवरी को क्या हुआ, एक और चीज़ें हुई, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया गया जो कि ये लोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि डबल हॉल होगा इसमें और जो इसकी लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर की लंबाई है ट्रेन की और इलेक्ट्रिक स्टेशन पे वर्क करेगी जिसका जो है फ्लैगिंग फ्लैग ऑफ जो है वो पीएम मोदी ने किया था। अगला जो है 17 जनवरी को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नया चीज़ का खुलासा किया यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो कार का जो कि BML के द्वारा बनाया गया है। तो ये न्यूली डिजाइंड मेट्रो कार है जो कि ड्राइवरलेस है, इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसका खुलासा किया है 17 जनवरी को। और जो 23 जनवरी को है बच्चों, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र का एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी आपको पता है, तो 125वीं सालगिरह थी 23 जनवरी 2021 को। तो इनके सम्मान में जो सबसे पुरानी ट्रेन चल रही थी हावड़ा कालका मेल, उसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया ताकि उनको हम सम्मान दे सके, उनको श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद उनके याद में ये ट्रेन चलाई गई है। अगला जो है बच्चों 26 जनवरी को लगेज डिलीवरी सर्विस चालू किया जो कि टोटली एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस है। पहले लगेज और डिलीवरी की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, हमें डायरेक्टली जाके बहुत ही समय देना पड़ता था अपने लगेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन ये ऐप बेस्ड सर्विस आने से सारा चीज़ जो है ऑटोमेटिक हो गया है। डायरेक्टली आप ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी जो है वो आपका टोटली रेलवे के द्वारा केयर किया जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ हो चुका है ये सर्विस आने से, जिस तरीके से एयरलाइंस में होता है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि फरवरी में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं बच्चों। तो पहला जो है 1 फरवरी 2021 को हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमण, इन्होंने जब यूनियन बजट को पेश किया 2021 और 22 का जो यूनियन बजट पेश हुआ है तो इसमें जो रेलवे को जो रेवेन्यू दिया गया है वो 2,17,460 करोड़ का दिया गया है जो कि पिछले साल से 12% ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि रेलवे को अपने डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलेगा। तो रेलवे ने जो नया प्लान बनाया है नेशनल रेल प्लान 2030 तक का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। इस प्लान के अंदर जितने भी फ्राइट कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट हैं वो इसके अंदर आएंगे, नए फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा भुसावल से खड़गपुर और टू दानकुनी, और जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा इटारसी टू विजयवाड़ा। और जो है रेलवे जो है DFCCIL को मोनेटाइज करेगा, जितने भी उसके एसेट्स हैं फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए उसको मोनेटाइज करेगा। और जो है हाई डेंसिटी नेटवर्क जो है और जो हाई यूटिलाइज नेटवर्क्स रूट्स हैं जिस पर ट्रेनें चलती हैं, जो कभी भी आदमी की गलती की वजह से ट्रेनें टकरा जाती हैं, तो उन गलतियों को भी एलिमिनेट किया जाएगा और नया डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा ताकि ट्रेन कोलिजन ना हो। जो भी हाई डेंसिटी रूट्स होते हैं वहाँ पर आप जानते हैं बच्चों के कितने ट्रेन वहाँ चलती हैं, हजारों की मात्रा में लगातार ट्रेन चलती ही रहती हैं, तो कभी ना कभी कुछ मिस्टेक इंसान से हो ही जाता है जिससे ट्रेन टकरा जाती है। तो इस चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम लाया जाएगा और रेलवे जो है DFCCIL को मोनेटाइज करेगी ताकि उसके जितने भी एसेट्स हैं और जो उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैं उसको वो रन कर सके अच्छे से। अगला जो है बच्चों 4 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, तो 4 फरवरी 2021 को इंडियन रेलवे ने डिसीजंस लिया था, जो भी उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं
56 मेजर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं जिन पे काम चल रहा है, तो 2021-22 तक उसको कंप्लीट करना है। ये डिसीजंस इंडियन रेलवे ने लिया था। 6 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, 6 फरवरी 2021 को NFR ने किसान अप्लीकेशन स्पेशल ट्रेन चलाया था जो कि अगरतला और हावड़ा और सियालदह के बीच में चलेगा। अगरतला से लेके हावड़ा और सियालदह के बीच में ये ट्रेन चलेगा जो कि 11 फरवरी से अपने रनिंग में आ जाएगा। तो NFR यानी कि नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे ने किसान स्पेशल ट्रेन चलाया बच्चों। तो इस ट्रेन को चलाने का मोटिव क्या है कि जो किसान थे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कम मात्रा में होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वहाँ पे पहले जो है लिमिट सेट होता था, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 100 किलो या 100 किलो से ऊपर ही आप भेज सकते हैं, तो अगर आपके पास 10 किलो या 20 किलो है तो आप कैसे भेजोगे। तो इसलिए ये ट्रेन चलाया गया था कि अगर किसी किसान के पास कम मात्रा में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं यानी कि दूध मीट या फिश, तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। अगला जो है बच्चों, 8 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, तो 8 फरवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद एडवेंचर पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था जो कि हुबली में बनाया गया है, रिलीज रेल्स स्टोन और बेंचेस का इस्तेमाल करके। तो ये एक एडवेंचर पार्क है जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर बनाया गया हुबली में, तो इसका इनॉग्रेशन 8 फरवरी 2021 को हुआ था। अगला जो है 9 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, तो 9 फरवरी 2021 को इंडियन रेलवे ने हाइएस्ट फ्राइट लोडिंग रिकॉर्ड को अचीव किया है जो कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो 119.74 मैट्रिक टन था और इस साल का जो है वो इससे ज़्यादा है। और अगला जो है 11 फरवरी 2021 में क्या हुआ था बच्चों, 11 फरवरी 2021 में इंडियन रेलवे ने नया एयर कंडीशन कोच का लॉन्च किया है जिसका नाम है 3TYR 2UF। तो ये जो नया एसी टायर कोच का लॉन्चिंग हुआ है ये थर्ड टायर और स्लीपर क्लास के बीच का है, यानी कि फेयर जो है इन दोनों के बीच का लगेगा। जैसे अगर स्लीपर में 500 लगता था और थर्ड एसी में अगर 1200 लग रहा था, तो इसमें 700 या 800 रुपये लगेगा और आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये मतलब ये बनाने का ये मकसद है कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो एसी में आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन कोच लॉन्च किया गया है 3TUF। 11 फरवरी 2021 को जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मंत्रालय जो है, उन्होंने प्लान किया ये इंस्टॉल करने का, जो कि वीडियो बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाने का प्लानिंग चल रहा था जो कि 983 रेलवे स्टेशन पे किया जाएगा। तो वीडियो बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाने से क्या होगा बच्चों, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सिस्टम है, इस सिस्टम से हम एक एक चीज़ों पे निगरानी रख पाएंगे और जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे हम लोग बच पाएंगे। तो सेफ्टी के नज़रिए से ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला जो है 13 फरवरी 2021 को क्या हुआ था बच्चों, कि कोविड जो इतना फैल रहा था उस टाइम पे, तो उसके बाद भी जो हमारा फ्राइट कॉरिडोर का रेवेन्यू है ये बहुत ही अच्छा है पिछले साल से। जो पिछले अप्रैल टू फरवरी का जो रिकॉर्ड है पिछले साल का वो 97,342.14 करोड़ है और जो इस साल का रिकॉर्ड है अप्रैल से फरवरी का वो 98,068.45 करोड़ है। तो ये बहुत ही अच्छा उछाल आया है, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है बच्चों। अगला जो है 13 फरवरी को नया मेट्रो ड्राफ्ट बिल पास किया गया, ड्राफ्ट मेट्रो बिल जो कि लैंड एक्विजिशन से डील करता है, न्यू लाइंस बिछाने के लिए डील करता है और जो ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी रेगुलेट करता है। तो इन चीज़ों के लिए नया मेट्रो ड्राफ्ट बिल पास किया गया ताकि हम न्यू लाइंस बिछा सकें मेट्रो के लिए और उसको एक्सपेंड कर सकें। और जो 16 फरवरी को एक और चीज़ किया गया बच्चों, वो है दिल्ली मेट्रो ने एक नया स्टेप लिया इस कोविड की वजह से। क्या था वो स्टेप, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया जो कि QR बेस्ड टिकटिंग पर आधार है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टलेस बनाया गया ताकि हम जो कोविड का जो स्प्रेड था उससे हम बच सके, कॉन्ट्रैक्टलेस बनाया गया। अगला जो है बच्चों, 17 फरवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया गया था
कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि IORWTC के नाम से वो प्रोजेक्ट पे डील कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड अर्बन रिजनरेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन्होंने जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है, इन्होंने ये ड्रोन का परमिशन लिया है ताकि इस प्रोजेक्ट से जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर ये डील कर सकें। अगला जो है बच्चों, 26 फरवरी को क्या हुआ था, तो 26 फरवरी को IRCTC का जो शेयर प्राइस है वो पिछले साल के मुकाबले जंप किया था, जो कि 2.83% है। तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो 774.65 रुपीज़ था और इस साल का जो इसका रिकॉर्ड है वो 1983.7 रुपीज़ था। तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है IRCTC के द्वारा। तो उसका शेयर प्राइस क्लाइंब हुआ था इस तारीख को। और जो 26 फरवरी है, इस दिन एक और चीज़ हुआ था, बेंगलुरु डिवीज़न ने MOU साइन किया था, मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि इंटेज के साथ साइन किया है ताकि जो वो अपना हेरिटेज रेलवे स्टेशन से उसको रिस्टोर कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है बच्चों, ये बेंगलुरु का हेरिटेज रेलवे स्टेशन है जो जिनको वो प्रिजर्व करने के लिए ये MOU साइन किए हैं इंटेज के साथ। अगला जो है, IRCTC ने AI बेस्ड आस दिशा नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है, जो कि आप एप्लीकेशन जब खोलते होंगे, IRCTC का वेबसाइट जब खोलते होंगे तो आस दिशा नाम का आपको चैटबॉट दिखता होगा, जो कि आपके सारे क्वेरीज ट्रेन रिलेटेड जो हैं वो सॉल्व करता है बिना लॉगिन किए हुए। अगला जो है बच्चों, जो हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने 88 रेलवे प्रोजेक्ट डेडिकेट किया था इन राज्यों के लिए, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका के लिए, जिनका मूल्य जो है वो 1000 करोड़ है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मार्च में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था, 3 मार्च 2021 को MTRC सिस्टम लॉन्च किया गया पहली बार भारत में, जो कि वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा लिया गया था बच्चों। तो वेस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो चर्च गेट मुंबई है, तो वहाँ पे जो है वो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए से ट्रेन क्रू जो है उनसे और जो कंट्रोल सेंटर है और जो स्टेशन मास्टर है, इन तीनों के बीच में कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बना रहे, इस चीज़ के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था बच्चों, जिसका हेडक्वार्टर चर्च गेट मुंबई है। अगला जो स्टेप है वो 3 मार्च को लिया गया है, जो कि गोदरेज इंटीरियो बैग्स जो है उससे बेंगलुरु, कोची एंड मुंबई मेट्रो ने प्रोजेक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि 250 करोड़ का था, ताकि मेट्रो का इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन कर सके और बेहतर बना सकें। और जो 4 मार्च को है बच्चों, कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च की गई थी, जो हमारे रेलवे PSU रेलटेल के CMD हैं पुनीत चावला जी, उन्होंने ये सर्विस लॉन्च की है ताकि मूविंग ट्रेन्स में लोग इंफोटेनमेंट का मजा ले सकें। तो इसमें मल्टी लैंग्वेज कंटेंट्स अवेलेबल है, जो कि प्री लोडेड हैं, जिसमें मूवीज़, न्यूज़, म्यूजिक वीडियोस एंड जनरल एंटरटेनमेंट की सुविधाएं अवेलेबल हैं। अगला जो है बच्चों, 4 मार्च 2021 को रेलवे PSU रेलटेल ने एक और लॉन्चिंग किया था, जो कि वाईफाई सर्विस प्लान का लॉन्चिंग किया था, जो कि पेडेबल सर्विस है। इसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। जब आप रेलटेल पहले इस्तेमाल करते थे रेल वायर वाईफाई, तो वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा, जो कि 4000 रेलवे स्टेशन्स में किया गया है पूरे भारत में। अगला जो बच्चों, 5 मार्च को ग्लोबल लॉजिस्टिक फॉर्म जो है DP वर्ल्ड एंड CMA CGM, इन्होंने मेडन ब्लॉक ट्रेन दिया है गुजरात को, जो कि मुंड्रा एंड पानीपत के बीच में चलेगा। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये आप लोग को पता होगा बच्चों। तो ब्लॉक मेडन ट्रेन दिया गया है, तो ये जो है फ्राइट कॉरिडोर के लिए ट्रेन दिया है, जो कि वो वहाँ पर रन करेगा। अगला जो है बच्चों, 7 मार्च 2021 को रेलवे मिनिस्टर जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो एक्स्ट्रा वैगन लगाए जाते हैं हमारे जो लोडेड ट्रेन हैं, जो माल गाड़ियाँ हैं उनमें एक्स्ट्रा वैगन लगाया जाता है, ताकि वो गुड्स गार्ड जो है वो ट्रेन को ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके चीज़ों को। अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, यानी कि गुड्स गार्ड की नौकरी छिन गई है वहाँ पे, उसके जगह पे एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री यानी कि EOTT का फैसिलिटी आया है, जिसके जरिए से सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा। तो जो फ्राइट ट्रेन्स हैं उनमें एक्स्ट्रा वैगन जो लगाया जाता था जिसमें गुड्स गार्ड होते थे, वो अब नहीं रहेगा।
तो वहाँ पे उसके जगह पे EOTT की फैसिलिटी आ गई है। अगला जो है बच्चों, 10 मार्च को हिटाची ABB पावर ग्रिड ने 160 करोड़ का ट्रांसफार्मर सप्लाई करने का प्रोजेक्ट साइन किया है, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा साइन किया गया है। इंडियन रेलवे और हिटाची ABB पावर ग्रिड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके जरिए हिटाची ABB पावर ग्रिड जो है 160 करोड़ का ट्रांसफार्मर जो है इंडियन रेलवे को सप्लाई करेगी। और 10 मार्च को एक और चीज हुआ बच्चों, 3000 हॉर्स पावर का कैप गोज लोकोमोटिव 90 स्टेनलेस स्टील ट्रेन, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया जा रहा है, जिसको मोजाम्बिक जो है वो भेजा जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका में शहर है, तो मोजाम्बिक जो है वहाँ पे भेजा जाएगा। भारत में जो है वैग 12B जो है 12000 हॉर्स पावर का ट्रेन है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। 11 मार्च को है बच्चों, श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन का लॉन्चिंग हुआ था, जो कि 1 जनवरी 2018 को ये गारंटी दिया गया था जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं। इसके बारे में आपको रविंद्र सर ने बताया होगा बच्चों कि पहले क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जो रेलवे के वर्क्स करते थे, आउटसोर्सिंग जो कंपनियां थी, तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रेलवे कॉन्ट्रैक्ट देती है आउटसोर्सिंग कंपनी को, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो जो वर्कर्स के वेजेस हैं उसकी चोरी करते थे। अगर वो किसी भी वर्कर जो काम कर रहा है 5000 का काम कर रहा है, तो वो रेलवे से 5000 ले रही है, तो उसको 2000 देती थी और 3000 अपने रहते थे। तो इतने करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, जो कि 3559 करोड़ का घोटाला किया गया था। तो ये जो 2 साल में घोटाला किया गया, ये रेलवे ने जान लिया बच्चों, तो उसको बचाने के लिए वर्कर्स को अपना हक मिल सके, अपनी मेहनताना उसको मिल सके, उसके लिए श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो 11 मार्च 2021 को क्या हुआ था बच्चों, 11 मार्च 2021 को श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया था बच्चों, ताकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, उनके पैसे खा जाते थे, उनको प्रॉपर जो उनका मेहनताना है वो नहीं मिलता था। तो इसको देखते हुए इंडियन रेलवे ने ये एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया कि जब भी कोई वर्कर्स उनके यहाँ काम करने आएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनका रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन में किया जाएगा, ताकि रेलवे जो है डायरेक्टली उसको पेमेंट कर सके। पहले के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या करते थे कि वेजेस जो दिए थे वर्कर्स को वो चोरी कर लेते थे। अगर वो 5000 रुपये ले रहे हैं किसी वर्कर के लिए रेलवे से, तो उसे 2000 देते थे और 3000 चोरी कर लेते थे। तो जब इतना घोटाला हो गया 3459 करोड़ का, तो रेलवे ने देखा कि वर्कर्स को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा, तब ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला जो है बच्चों, 12 मार्च को NHRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने MOU साइन किया जापानीज फर्म के साथ, जो कि ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, उसके लिए साइन किया है, जो कि 237 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे जो है वडोदरा से वापी के बीच में ये ट्रैक बिछाया जाएगा। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जापानीज फर्म के साथ MOU साइन किया है इस ट्रैक के लिए, तो जापानीज फर्म जो है इस ट्रैक को बिछाएगी। जैसा आप देख रहे होंगे कि 14 मार्च को NHSRCL साइन किया MOU जापानीज JRTC के साथ। JRTC का फुल है जापान रेलवे ट्रेन कंसल्टेंट, जो कि ट्रैक से डील करता है, ट्रैक को बिछाता है। तो जापान में तो बुलेट ट्रेन पहले से आ चुका है, इसलिए ये जापान रेलवे को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के ऊपर वर्क करेगा, जो कि 237 किलोमीटर लंबा है, वडोदरा और वापी के बीच में ये बिछाया जाएगा बच्चों। अगला जो है, 16 मार्च को श्री एम विश्वेश्वरिया टर्मिनल में पहली बार सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बनाया गया है, जो कि बाया पन्नाहाली इन बेंगलुरु में है, और कर्नाटका जो है वो बनने वाला है, मतलब ऑपरेटेड सून, उसमें भी काम चल रहा है। तो श्री एम वैश्वर्या जी हैं, उनके नाम पे इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, ये बच्चों को पता होगा। अगला जो है, 19 मार्च 2021 को क्या हुआ था बच्चों, रेल मोटर कार का ट्रेन जो है वो दोबारा से रेगुलर किया गया, जो कि पहले भी चलता था कालका शिमला और टू शिमला। तो ये ट्रेन जो है बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज रूट के लिए है, इसमें एक इंजन और एक डब्बा होता है, जो शिमला से कालका तक पूरा घुमाती हुई ले जाती है। तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज रूट है, इसीलिए इस ट्रेन को बरकरार रखने के लिए और इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए, जो हमारे देश की सुंदरता है, उसके लिए इस चीज़ को दोबारा से रेगुलराइज किया गया। 19 मार्च 2021 को और क्या हुआ था बच्चों, रेल ने
रेलवे ने जनरेट किया था नया एम्प्लॉयमेंट, जो कि लॉकडाउन के बाद ये स्टेप लिया गया था, तो 14.14 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया था, मैन डेज एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो लोग बैठे हुए थे जिनके पास काम नहीं था, जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उन लोग को डेली कमाना डेली खाना है, तो उन लोग को बहुत ही दिक्कतें आ रही थी बच्चों, बहुत ही कर्ज हो गया था उनके पास। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इतने लोगों को 14.14 लाख लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट दिया था, ताकि अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकें। अगला जो है 19 मार्च को एक और चीज़ें की गई थी बच्चों, RLDA जो है, RLDA यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि रेलवे डेवलपमेंट पे काम करती है, जो भी स्टेशन या प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाते हैं, शॉप से रिलेटेड या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो इनके द्वारा की जाती है। तो इनका ये टारगेट है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको 5% ग्रोथ करना है, तो 5 गुना तेजी से ये काम कर रहे हैं, स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। अगला जो है बच्चों, 24 मार्च 2021 को क्या हुआ था, तो रेलवे बोर्ड ने हेडक्वार्टर को रीडिज़ाइन का अप्रूवल दिया है। जिस तरीके से ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर का घर बनाया जा रहा है नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो उसकी सुंदरता है, उसकी सुंदरता को कॉपी किया जा रहा है बच्चों, तो हेडक्वार्टर जो है उसी की सुंदरता के आधारित नया हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। अगला जो है बच्चों, 27 मार्च 2021 को नया पैसेंजर ट्रेन चलाया गया, मिताली एक्सप्रेस। एक ट्रेन पहले से चल रहा है, मैत्री एक्सप्रेस, जो आप लोग को पता होगा, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी को ये जोड़ता है। इसका इनोग्रेशन जो है पीएम मोदी ने किया है और बांग्लादेश के शेख हसीना ने किया है, दोनों ने इनका इनोग्रेशन किया है, जो कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला जो है बच्चों, 31 मार्च 2021 को रेलवे ने फ्राइट रेवेन्यू जो है 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, और गुड्स लोडिंग में 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है इस साल का, तो वो 63% है फ्राइट रेवेन्यू, और अगर पूछा जाए कि पैसेंजर से रेवेन्यू कितना आएगा पैसेंजर ट्रेन से, तो वो 28% है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अप्रैल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो 1 अप्रैल 2021 को क्या स्टेप लिया गया था, कि जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, जो कि स्टीम इंजन बेस्ड पैसेंजर ट्रेन थी, तो 1853 में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच में फर्स्ट स्टीम बेस्ड पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, तो थाने में रेलवे स्टेशन के प्रमाइसेस में ये जो स्टीम इंजन है इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। अगला जो है, 5 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था, 5 अप्रैल 2021 को भोपाल में जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स जो हैं, उन्होंने मल्टी फंक्शनल रेलवे ट्रैक स्केवेंजिंग व्हीकल को बनाया, ताकि जो रेलवे ट्रैक्स हैं जिसका सॉल्यूशन किया जाता है, जिसका रिपेयरिंग किया जाता है, ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, तो ये जो है एक ही व्हीकल के द्वारा सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे। अगला जो है, 5 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था, 5 अप्रैल 2021 को लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है CMA CGMA ने ये ब्लॉक ट्रेन को दिया था, जो कि मुंद्रा से सानंद के बीच में चलेगा, गुजरात को और गुजरात में जोड़ेगा। तो ये ब्लॉक ट्रेन जो है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए है बच्चों। तो न्यू सर्विस जो है ब्लॉक ट्रेन की, ये मुंद्रा से इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट यानी कि सानंद में जो है वो इन दोनों के बीच में चलाई जाएगी। अगला जो है, 5 अप्रैल 2021 को जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है चिनाब रिवर पे, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला आर्क है, यानी कि जो हाईएस्ट आर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 359 मीटर ऊंचा है, जो कि आइफल टावर से 30 मीटर ज़्यादा है, तो जो ये आर्क के फॉर्म में ब्रिज बन रहा है, तो आर्क जो सबसे ऊपर वाला आर्क है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वाला आर्क है, वो 5 अप्रैल 2021 को कंप्लीट हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है बच्चों, 9 अप्रैल 2021 को राकेश सिंह को अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, जिसको हम लोग नवा मेट्रो भी कहते हैं। तो राकेश सिंह जी जो हैं BMRCL का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। अगला जो है, 28 अप्रैल 2021, तो जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है RLDA, इन्होंने 3 साइट्स को लीज पे दिया है। 3 साइट्स जो हैं बेलरी, सिकार एंड भरतपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 45 साल के लिए लीज पे दिया गया है, ताकि यहाँ पे मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस वो बना सकें। अगला जो है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को जो ये फ्रेंच कंपनी है अर्मस्ट्रॉम, इन्होंने
100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग किया है जो कि माधेपुर फैक्ट्री बिहार में बन रहा है। तो 2500 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है इस कंपनी को 2015 में। कंपनी को 800 ई लोकोस सप्लाई करना है इंडियन रेलवे को, वो भी 11 साल के अंदर। तो 100 वो सप्लाई कर चुके हैं, बचे हुए हैं 800, 200 सप्लाई कर चुके हैं, 800 बचे हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि मई में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए मई 2021 में। तो 3 मई 2021 को जो फ्रेंच रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर आर्मस्ट्रांग कंपनी है, इसने 100 फुल्ली इलेक्ट्रिक हाई पावर्ड डबल सेक्शन लोकोमोटिव इंडियन रेलवे को दिया है जो कि 12000 एचपी का पावर का है, और इसको 800 देना है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 4.22 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इनको, ताकि ये हाई पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव इंडियन रेलवे को दें। तो ये 100 दे चुके हैं, 800 और इनको देना है। अगला जो है 5 मई 2021 को क्या हुआ, तो 5 मई 2021 को 4000 आइसोलेशन कोचेस बनाए गए जिसके अंदर 64000 बेड्स लगाए गए हैं ताकि आइसोलेशन यूनिट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनको हम बेनिफिट्स दे सकें। तो आइसोलेशन यूनिट्स के लिए 4000 आइसोलेशन कोचेस बनाए गए जिसमें 64000 बेड्स लगाए गए। अगला जो है 7 मई 2021 को क्या हुआ, तो 7 मई 2021 को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में प्रोजेक्ट साइन हुआ है जो कि 150 मिलियन यूरोज का प्रोजेक्ट है, यानी कि 1335 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो के राजा रमन एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और EIB के बीच में। अगला जो है वो 14 मई 2021 को क्या हुआ, तो 14 मई 2021 को सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई नेलोर से जो कि आंध्र प्रदेश द्वारा ये चलाया गया। तो इन्होंने जो अपना जर्नी है वो दुर्गापुर से स्टार्ट किया था कोविड-19 पेशेंट के लिए। अगला जो है 15 मई 2021 को क्या हुआ था, तो 15 मई 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी केरला से जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट की है 118 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को लेके कोविड पेशेंट के लिए सारे स्टेट्स में प्रोवाइड कराने के लिए। अगला जो है 15 मई 2021 को क्या हुआ था, तो 15 मई 2021 को ये डिसीजन लिया गया था रेलवे के द्वारा कि 6000 रेलवे स्टेशंस में 5 साल के अंदर वाईफाई लगना है जिसमें हजारीबाग का रेलवे स्टेशन जो है झारखंड का वो भी इंक्लूड है। रेल वाईफाई लगाने का जो ये जर्नी है ये रेलवे ने स्टार्ट किया था सबसे पहले मुंबई से जनवरी 2016 में। अगला जो है 16 मई 2021 को फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस केरला से चलाया गया एर्नाकुलम फ्रॉम कलिंग नगर विथ अ मेडिकल ऑक्सीजन फॉर अ कोविड-19 पेशेंट अपने ही राज्यों में, अपने ही स्टेट्स में, पूरे केरला के लिए ही चलाया गया था। अगला जो है 16 मई 2021 में क्या हुआ था कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रेलवे ने अचीव किया, 800 मीटर लंबा टनल बनाया है ईस्ट वेस्ट कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर जो कि ये फूल बगान और हावड़ा मैदान को जोड़ेगा। तो ये जो एक्सटेंशन बनाया गया है 800 मीटर लंबा जो टनल बनाया गया है ये फूल बगान और हावड़ा मैदान को जोड़ेगा जो कि ईस्ट वेस्ट कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। अगला जो है 16 मई 2021 को सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई पंजाब के लिए जिसमें 41 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद था जो कि बोकारो झारखंड से चलाया गया था पंजाब के लिए। अगला जो है 16 मई को ये अचीवमेंट मिला है कि 13 स्टेट्स में 9440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया गया है, नियरली 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गए इस जर्नी को कंप्लीट किया है जो ये 9440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का आंकड़ा है जो कि 13 राज्यों में प्रोवाइड कराया गया है। ये जो आंकड़ा है ये 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने मिलकर कंप्लीट किया है। अगला जो है 17 मई 2021 को क्या हुआ, तो 17 मई 2021 को ऑक्सीजन ट्रेन जो है 10300 मैट्रिक टन पहुंच गया जो कि सारे राज्यों को इंक्लूड करता है इंडिया के। तो ये जो आंकड़ा है 16 मई तक 9440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन था लेकिन 17 मई को 10300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है सारे राज्यों में।
अगला जो है बच्चों, 18 मई 2021 को क्या हुआ, 18 मई 2021 को कॉनकर ने नया इनिशिएटिव लिया। तो कॉनकर क्या है बच्चों, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन रेलवे के अंडर है, अंडरटेकिंग है, रेलवे मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। तो कॉनकर जो है वो कंटेनर जो भी लोड होते हैं ट्रेन्स में सारे को डील करता है। तो कॉनकर ने ये नया इनिशिएटिव लिया कि जो खाली कंटेनर्स हैं वो फ्राइट रेल टैरिफ को 50% घटा दिया, क्योंकि खाली ट्रेन्स जब मूव होती थी तो उस पर भी कुछ ना कुछ टैरिफ लगता था। तो इसके इनिशिएटिव इसलिए लिया गया ताकि हम एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम बढ़ावा दे सकें। तो खाली कंटेनर्स पे ये 50% का डिस्काउंट दिया गया ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को वो बढ़ावा दे सके। अगला जो है बच्चों, 18 मई 2021 को क्या हुआ, और जो नया स्टेप लिया गया वो 10 कोविड केयर कोचेस बनाए गए, जो कि न्यू टिस्कुनिया रेलवे स्टेशंस आसाम में है। तो वहाँ जो रेलवे स्टेशंस में है वो 10 कोविड केयर कोचेस बनाए गए। अगला जो है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने है बिगेस्ट सिंगल डे में सबसे बड़ा अचीवमेंट किया कि 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया, जो कि एक दिन का ये आंकड़ा है। तो ये अचीवमेंट रेलवे ने अचीव किया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा। और जो पूरे भारत में 13 राज्यों में 11030 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया है। अगला जो है, 19 मई 2021 को रेलवे ने कहा कि जितने भी 86 कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। और जो है 19 मई 2021 में रेलवे ने 11800 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का डिलीवरी किया, जो कि 727 टैंकर्स के द्वारा किया गया 13 राज्यों में। जो राज्य हैं वो उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरला, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो इन 13 राज्यों में 11800 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का सप्लाई किया गया है, जो कि 196 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ये जर्नी पूरी कंप्लीट की गई है। अगला जो है बच्चों, 20 मई 2021 को क्या हुआ, तो 20 मई 2021 को 200 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कंप्लीट की अपनी जर्नी, जो कि 12630 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पूरे भारत में सप्लाई किया गया। अगला जो है, 22 मई 2021 को क्या हुआ, तो 22 मई 2021 को ये आंकड़ा जो है वो 14500 मैट्रिक टन तक पहुंच गया, जो कि 224 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा किया गया है। और अगला जो है, 22 मई 2021 को क्या हुआ, तो 22 मई 2021 को और क्या हुआ बच्चों, और जो है जो फ्राइट कॉरिडोर के द्वारा जो लोडिंग की जा रही थी, जो लोडिंग का आंकड़ा है फ्राइट का, वो 2020-19 का जो है 185.04 मैट्रिक टन है 2021 का, और जो है 116.1 मैट्रिक टन है 2020 का, और जो 2019 का आंकड़ा है वो 167.66 मैट्रिक टन है। तो जो कि ये ग्रोथ दिखा रहा है, तो 2021 में कितना ग्रोथ हुआ, 59.38%, और 2020 में कितना ग्रोथ हुआ था 2019 के मुकाबले, 10.3%। तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ 2021 में, ये आप देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ है, लोडिंग का ग्रोथ है, जो ये लोडिंग किया गया है ऑक्सीजन का, और जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है रेलवे फ्राइट कॉरिडोर के द्वारा, इसका ये आंकड़ा है। और जो अगर हम लोग पैसे की बात करें, तो पैसे में 2021 में जो है वो 18542.8 करोड़ का फ़ायदा हुआ लोडिंग में, और जो कि 4.92% ज़्यादा है 2019 से, जो कि 17674 करोड़ है, और 75.93% ज़्यादा है 2020 के मुकाबले, जो कि 10540.1 करोड़ है उसी टाइम पे। तो ये आप देख रहे हो कि 2021 में कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा पहुंच गया लॉकडाउन के बावजूद भी। अगला जो है, 23 मई 2021 को क्या हुआ बच्चों, 23 मई 2021 को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कंटिन्यू हुआ ताकि कोविड 19 पेशेंट को रिलीफ दिया जा सके। 15284 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दिया गया पूरे भारत में 13 राज्यों में। और जो 23 मई 2021 को है वो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आसाम पहुंची। अगला जो है बच्चों, 24 मई 2021 को क्या हुआ कि 24 मई 2021 को एक और घटना घटी
कि जो हमारे रेसलर हैं सुशील कुमार को सस्पेंड किया गया जब वो अरेस्ट हो गया मर्डर केस में। तो मर्डर केस में अरेस्ट होने के बाद उसको सस्पेंड किया गया। अगला जो है 26 मई 2021 को क्या हुआ, तो 26 मई 2021 को 17,945 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया गया, जो कि 1,080 टैंकर्स के द्वारा किया गया सभी राज्यों में पूरे भारत के। और जो है 26 मई को क्या हुआ, 26 मई को 1,195 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग गैस दिया गया, जो कि हाईएस्ट है सिंगल डे, यानी कि सिर्फ 26 मई का ये आंकड़ा है कि 26 मई को 1,195 टन सप्लाई दिया गया, जो कि प्रीवियस कितना था 24 मई को कितना था, 24 मई को 1,142 टन था ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल डे। तो 26 मई को ये आंकड़ा जो है 1,195 टन पहुँच गया। अगला जो है 29 मई 2021 को क्या हुआ, 29 मई 2021 को ये आंकड़ा जो है पूरे भारत का जो 20,770 टन मेडिकल ऑक्सीजन लाइफ सेविंग 15 स्टेट्स में पहुंच गया, जो अभी तक 13 राज्यों में था अब 15 राज्यों में जाने लगा पूरे भारत के, जो कि 305 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जर्नी कंप्लीट की गई। अगला जो है 30 मई 2021 को क्या हुआ, यही आंकड़ा जो है वो 21,392 टन्स पहुंच गया, जो कि 15 राज्यों में सप्लाई किया गया 392 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की गई। अगला जो है 31 मई को यही जो आंकड़ा है वो 21,939 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। अगला जो है 31 मई को और क्या हुआ कि इंटरनेट बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया 269 रेलवे स्टेशन में इन 10 जोन्स एंड दिस कैन स्टोर अ फुटेज ऑफ 30 डेज, यानी कि ये जो इंटरनेट बेस्ड वीडियो सर्विलेंस जो स्टोर किया गया ये 30 दिन का फुटेज स्टोर करके रख सकता है। तो ये 269 रेलवे स्टेशनों में किया गया है, जो कि 10 जोन के द्वारा ये किया गया है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जून में कौन कौन से स्टेप्स को लिए गए हैं। तो 1 जून 2021 को ये देखा गया कि जो फ्राइट कॉरिडोर का आंकड़ा है, चाहे वो अर्निंग के रिस्पेक्ट में हो या लोडिंग के रिस्पेक्ट में, वो बढ़ता ही चला गया पिछले साल के मुकाबले। तो फ्राइट कॉरिडोर के लोडिंग का जो आंकड़ा है वो अर्निंग या लोडिंग के रिस्पेक्ट में बढ़ता ही चला गया, ये देखा गया। तो 1 जून 2021 को ये नोटिस किया गया। और जो है 1 जून 2021 को क्या हुआ कि RDSO जो कि इंडियन रेलवे का पार्ट है, रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो कि वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड मिशन के अंडर किया गया BIS के आधार पे। तो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि एक ये इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर BIS आता है। तो BIS के आधार पे जिसका मोटिव है वन नेशन वन स्टैंडर्ड, RDSO को SDO डिक्लेयर किया गया। तो SDO का मतलब है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसको संस्था एक घोषित किया गया RDSO को। अगला जो है 1 जून 2021 को क्या हुआ बच्चों, रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है, 1 जून 2021 को 15 AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास कोचेस बनाया है, जो कि एक्सप्रेस और मेल ट्रेन में अटैच किया जाएगा। अगला जो है 2 जून 2021 को इंडियन रेलवे ने 23,741 मैट्रिक टन ऑफ LMO यानी कि लाइफ सेविंग मेडिकल ऑक्सीजन को डिलीवर किया है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, जो कि 1405 टैंकर्स के द्वारा किया गया है। अगला जो है यही जो आंकड़ा है डिलीवरी का लाइफ सेविंग ऑक्सीजन मैट्रिक का, 5 जून को जो नोटिस किया गया आंकड़ा जो देखा गया वो 25,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का सर्विस दिया गया है अलग अलग राज्यों में, जो कि ग्रीन कॉरिडोर्स के द्वारा किया गया। अगला जो है 6 जून को यही जो आंकड़ा है ऑक्सीजन डिलीवरी का, लाइफ सेविंग ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जो दिया गया है वो 26,281 मैट्रिक टन दिया गया, जो कि 376 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा कंप्लीट किया गया। और जो है 8 जून को क्या हुआ बच्चों, 8 जून 2021 को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने 27,600 मैट्रिक टन का लाइफ सेविंग मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवर किया पूरे भारत में, जो कि 392 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 1,603 टैंकर्स के द्वारा ये कंप्लीट किया, जो कि 15 राज्यों में ऑक्सीजन को पहुंचाया।
अगला जो है 9 जून 2021 को क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल प्रपोजल को अप्रूव किया। क्या प्रपोजल रखा गया था कैबिनेट में कि जो स्पेक्ट्रम है 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डाला गया 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड में, ताकि जो पब्लिक सेफ्टी है उस पर नज़र रखा जा सके, सिक्योरिटी सर्विस को बढ़ाया जा सके स्टेशनों में और ट्रेन्स में। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए प्रपोजल को अप्रूवल दिया पीएम मोदी ने कि 5 मेगाहर्ट्ज बैंड को, 5 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के बैंड में घुसाया जाए। अगला जो है 10 जून 2021 को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने 28,000 मैट्रिक टन का आंकड़ा पार कर दिया लाइफ सेविंग मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में, जो कि 28,473 मैट्रिक तक पहुंच गया, जो कि 1648 टैंकर्स के द्वारा किया गया और 401 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने ये जर्नी को कंप्लीट किया है। 11 जून 2021 को क्या हुआ कि 11 जून 2021 को जो 3000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव मोजाम्बिक जाना है साउथ अफ्रीका, उसका जो है 2 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कर दिया गया मार्च 2021 में। और जो है 13 जून 2021 को क्या हुआ कि 13 जून 2021 को ये जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है पूरे भारत में ताकि कोविड पेशेंट को सर्विस दे सके, उनके लाइफ को बचा सकें, ये आंकड़ा जो है 30,000 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा पार कर गया, जो कि 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा किया गया और 1734 टैंकर्स ने इसमें ऑक्सीजन को भरा गया। अगला जो है 15 जून 2021 को क्या हुआ कि 15 जून 2021 को ये दिल्ली मेरठ RRTS है, इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। QR बेस्ड है ये टोटली, जो कि दिल्ली मेट्रो ने इसका स्टार्टअप किया था और ये दिल्ली मेरठ RRTS के बीच में भी ये इन्वॉल्व हो गया, 15 जून से ये लागू हो गया। अगला जो है 17 जून 2021 में क्या हो गया, 13 वुमेन्स हॉकी प्लेयर जो हैं रेलवे की, वो सेलेक्ट हो गई हॉकी टीम और पार्टिसिपेट किया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। जो 13 महिलाएं हैं हॉकी टीम की और ये सिलेक्शन इनका हुआ था इंडियन हॉकी टीम में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। अगला जो है 18 जून 2021 में क्या हुआ कि 18 जून 2021 में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 32,000 मैट्रिक टन का आंकड़ा जो है वो पार किया, जो कि लाइफ सेविंग मेडिकल ऑक्सीजन को ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी पूरे भारत में। 444 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ये कंप्लीट किया गया पूरे भारत में। अगला जो है 20 जून 2021 को क्या हुआ कि जो 15 स्टेशन हैं कश्मीर वैली में इंक्लूडिंग श्रीनगर, उनका इंटीग्रेशन किया गया वाईफाई नेटवर्क के द्वारा। तो जो रेल वायर वाईफाई है ये अब बरमूला, हमरे, पटान, मजहोम, बुदगम, श्रीनगर, पैम्पोर, काकापोरा, अवंतीपुरा, पंजगम, बिजबिहारा, अनंतनाग, सदूरा, काजीगुंड एंड बनिहाल स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कर दिया गया है वाईफाई का वहाँ पे। तो 20 जून को ये काम जो है कंप्लीट हो गया था। 27 जून 2021 को क्या हुआ था बच्चों कि रेलवे ने 98.36% का इम्प्रूवमेंट किया अपने ऑपरेटिंग रेशियो में, जो कि इसके पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 97.45% है, लेकिन 2020-21 से जो कि 2020-21 से ज़्यादा है। तो 2020-21 का जो आंकड़ा है वो 97.45% था और अभी का जो आंकड़ा है वो 98.36% है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जुलाई में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। 1 जुलाई 2021 को इंडियन रेलवे ने पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है, जो कि बैंगलोर स्टेशन में बना हुआ है। जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि पूरा फील जो आपको है अंडर वाटर का फील आएगा उसमें, जब आप उस एक्वेरियम में एंटर करेंगे तो वो एक्वेरियम पूरा मूवेबल है, यानी कि जो उसमें एनिमल्स रखे गए हैं, वाटर एनिमल्स, फिश हो गए, एलिगेटर्स हो गए, तो जो भी है उसको आप टोटली फील कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अगला जो है 1 जुलाई 2021 को DMRC ने पहला एवर अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड पार्किंग बनाया है, जो कि धनसा स्टेशन में मौजूद है। अगला जो है 2 जुलाई 2021 को क्या हुआ कि 2 जुलाई 2021 को साउदर्न रेलवे ने टोटल जो है 7,416.14 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है तमिलनाडु एंड केरला में, जो कि 90 ऑक्सीजन ट्रेन्स के द्वारा कंप्लीट किया गया है।
ये जो ऑक्सीजन सर्विस का जो जर्नी है वो 14 मई 2021 से चालू हुआ था। अगला जो है 4 जुलाई 2021 को क्या हुआ कि जो रेलवे रजिस्टर रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में ये देखा गया कि जो वो रेलवे के स्कार्फ्स को बेचें उनके जो अनयूज चीज़ें हैं उनको बेचने के बाद 4575 करोड़ की आंकड़ा आया। तो ये जो आंकड़ा है 2020 का वो 14% ज़्यादा है। ये जो आंकड़ा है ये 4000 करोड़ का आंकड़ा लगाया गया था लेकिन 4575 करोड़ आंकड़ा आया रजिस्टर में, तो ये देखा गया कि 14% ज़्यादा आ गया। और जो है 6 जुलाई 2021 को 813 मेजर रेलवे स्टेशन में आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा जो कि मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। 756 स्टेशनों में ये टारगेट है कंप्लीट करने का रेलटेल के द्वारा। अगला जो है 7 जुलाई 2021 को मेट्रो रेल ने पहला जो है फास्टैग बेस्ड कैशलेस पार्किंग कश्मीरी गेट स्टेशन में लॉन्च किया। यहाँ पे पूरा एक पार्किंग बनाया गया है जो कि फास्टैग बेस्ड है, टोटली कैशलेस पार्किंग है। कश्मीरी गेट स्टेशन जो है वो 3 मेट्रो स्टेशन लाइंस को जोड़ता है, रेड वायलेट और ग्रीन येलो, रेड वायलेट और ग्रीन जो ये लाइन है इन तीनों लाइन को यहाँ पे संगठन है यहाँ पे कश्मीरी गेट में, तो इन तीनों लाइंस में यहाँ पे ट्रेवल किया जाता है इसीलिए ये बहुत बड़ा स्टेशन बन गया है। यहाँ पे कैशलेस पार्किंग बनाया गया है। अगला जो है 8 जुलाई 2021 को अश्वनी वैष्णव जो हैं वो रेलवे मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। अगला जो है 9 जुलाई 2021 में निपॉन पेंट जो है कंपनी और साउदर्न रेलवे इंक के बीच में डील हुआ डबल डेकर ट्रेन जो है उसको ब्यूटीफाई करने का, ताकि वो जो चेन्नई और बेंगलुरु का जो लैंडमार्क है उसको रिसेंबल करे। तो वो टोटली पेंट किया जाएगा डबल डेकर ट्रेन को ताकि वो चेन्नई और बेंगलुरु की झांकियों को दिखा सके। अगला जो है 10 जुलाई 2021 को क्या हुआ, 10 जुलाई 2021 को दूध दुरंतो एक्सप्रेस जो है जो रेनी गुंटा आंध्र प्रदेश से दिल्ली ट्रांसपोर्ट जाती है उसने 10 करोड़ लीटर मिल्क ट्रांसपोर्ट किया है टोटल अभी तक का, जो कि 2502 मिल्क टैंकर्स के द्वारा किया गया है और 443 ट्रिप अभी तक कंप्लीट हुए हैं। तो 443 ट्रिप अभी तक कंप्लीट होने के बाद 10 करोड़ लीटर टोटल दूध ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अगला जो है 16 जुलाई 2021 को क्या हुआ कि जो फ्रेंच एमएनसी कंपनी थी ऑलस्टॉम उनका काम दिया गया है कि लोकल मैन्युफैक्चर ट्रेन बनाना है उसको, लोकल ट्रेन कार्स जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पे चलेगी और ये सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, तो इसके लिए लोकल ट्रेन मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो कि फ्रेंच एमएनसी आर्मस्ट्रॉम के द्वारा ये काम कंप्लीट होगा। अगला जो है 16 जुलाई 2021 को साउथ सेंट्रल रेलवे के 2 प्रोटेक्शन फोर्स को जो कि श्री के एस हरा प्रसाद हैं और श्री के बेनिया बेस्टोवर्ड हैं, इनको प्रेस्टिजियस इंडियन पुलिस मेडल दिया गया। 19 जुलाई 2021 को जो ये ट्रेन चलाई गई है जयनगर बिहार से ले कर कुर्था नेपाल के बीच में, ताकि अपने ट्रेड्स को हम बूस्ट कर सकें, इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ट्रेन चलाया गया है। तो इरकॉन के द्वारा ये सक्सेसफुल ट्रायल किया गया ट्रेन का, तो ये बहुत ही सक्सेसफुली हो गया। और जो इरकॉन है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो इसके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया ट्रायल, ये ट्रायल सक्सेसफुली हो गया बच्चों। तो अब क्या है कि जो इंडिया और नेपाल का ट्रेड है वो बहुत ही बूस्टअप होगा, ट्रेड करना बहुत ही आसान होगा। अगला जो है 25 जुलाई 2021 को आरसीएफ यानी कि रेलवे कोच फैक्ट्री ने फायर सेफ्टी को ध्यान देते हुए पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए 5 कोचेस को बनाएगा, तो फायर रिडंडेंट मटेरियल को उसमें रखेगा और रूफ माउंटेड एयर कंडीशनिंग पैकेज यूनिट का इस्तेमाल करते हुए फायर सेफ्टी टूल्स को इन्हेंस करके इसमें कोचेस को डेवलप करेगा। अगला जो है 28 जुलाई 2021, तो 28 जुलाई 2021 को गोदावरी ब्रिज जो बन रहा है मर्चियाल एंड पेडमपेट स्टेशन के बीच में जो है, ये साउथ सेंट्रल रेलवेज का पहला कॉन्क्रीट ब्रिज है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है और इसमें जो ट्रेन चलती हैं वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती हैं। अगला जो है 28 जुलाई 2021 को क्या हुआ कि पहला जो इंडियन रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जिसने 200 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन
सप्लाई किया है बेनापोला बांग्लादेश में। 10 कंटेनर्स में ये ऑक्सीजन सप्लाई किया गया था बांग्लादेश को, जो कि चक्रधरपुर डिवीजन से चला था ट्रेन, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है। ये जो चक्रधरपुर डिवीजन है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, तो यहाँ से ट्रेन चलाई गई थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जो कि 200 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को ले के बेनापोल बांग्लादेश गया था। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगस्त 2021 में क्या हुआ था बच्चों। अगस्त 2021 में 1 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश का जो रेल लिंक है उसको रिज्यूम किया गया, यानी कि एक नया रेल लिंक बनाया गया। अभी तक 4 रेल लिंक चल रहे हैं और जो ये 5वां रेल लिंक है हल्दीबरी और चिलाहाटी रेल रूट, तो ये 1 अगस्त 2021 से ऑपरेशन में आया। तो ये 5वां रेल लिंक है, ये आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच का। 2 अगस्त 2021 को भारत का सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन आया है इटली से, जो कि एल्युमिनियम से बना हुआ है। और ये ट्रेन जो है लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन, ये पुणे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाएगा। अगला जो है 3 अगस्त 2021 को इंडियन रेलवे ने हाईएस्ट फ्राइट लोडिंग अचीव किया, जो कि 112.72 मैट्रिक टन है। तो ये जुलाई 2021 का रिकॉर्ड है और जुलाई 2019 का जो है वो 99.74 मैट्रिक टन है और 2020 का जो है वो 95.18 मैट्रिक टन है। तो आप देख रहे हो कि 2019 में 99.7 मैट्रिक टन था, लेकिन 2020 में ये घट गया था, 95.18 था, लेकिन अब 2021 का जो रिकॉर्ड है वो 112.72 मैट्रिक टन है। ये बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट, जब बड़ा आंकड़ा है तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है रेलवे का। अगला जो है 5 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 5 अगस्त 2021 को ट्रेन्स में जो वाईफाई सर्विस देने का जो इनिशिएटिव लिया गया था इसको ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। अगला जो है 6 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि 6 अगस्त 2021 को 1058 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 शहरों में। ये आंकड़ा देखा गया कि जो 27 शहर हैं वहाँ पे 1058 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है और 721 किलोमीटर का मेट्रो लाइन ऑपरेशन में है, जो कि 18 शहरों में चल रहा है पूरे भारत में। अगला जो है 6 अगस्त 2021 में क्या हुआ कि वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया 11 इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों में, रेलवे ब्रिजेस में, यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये किया गया है, ताकि जो वहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं उससे हम लोग बच सकें। अगला जो है 7 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि 7 अगस्त 2021 को हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी लाई गई। तो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी ने एलिमिनेट कर दिया डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को, क्योंकि जो डीजल से चलाया जा रहा था अब हाइड्रोजन फ्यूल चलाया जाएगा। तो ये 89 किलोमीटर के बीच में ट्रेन चलाया गया सोनीपत और जींद सेक्शन के बीच में, जो कि नॉर्दर्न रेलवे का पार्ट है। अगला जो है बच्चों 9 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि 9 अगस्त 2021 को रेल पैसेंजर के लिए UTS ऑन मोबाइल वेब पोर्टल डेवलप किया गया, ताकि उसके जरिए वो स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज कर सके, जो कि अनरिजर्व टिकट्स एंड प्लेटफॉर्म टिकट्स की बुकिंग के लिए किया गया, जो कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स के थ्रू ये टिकट्स को ले सकते हैं। जो अनरिजर्व टिकट्स लेते हैं यानी कि जनरल टिकट हो गया, और जो हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट्स के लिए लाइन लगाना पड़ता है तो उसके लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के पास जाइए, वहां से आप टिकट्स को ले सकते हैं इस मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग करके। अगला जो है 9 अगस्त 2021 को क्या किया गया, 9 अगस्त 2021 को डीजल जो है वो बचा लिया गया इलेक्ट्रिक ट्रेन के द्वारा, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा 15 ट्रेन्स चलाई गई थी। ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन जो चलते हैं बच्चों, तो हेड ऑन जनरेशन के द्वारा ये काम किया गया है। हेड ऑन जनरेशन जो है एक नई टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग डीजल जो है 15 करोड़ डीजल बचा लिए, 15 करोड़ का डीजल जलने से। तो 15 करोड़ डीजल बचाना कोई मामूली बात नहीं है, 15 करोड़ का डीजल बहुत बड़ी बात होती है, डीजल को बचाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के द्वारा ट्रेन्स को चला रहे हैं तो उसमें हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली उससे पावर को जनरेट कर लेता है, जिससे ट्रेन्स को पावर मिलता है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि बर्निंग ऑफ डीजल हम लोग सेव कर लिए, यानी कि डीजल्स को जलने से बचा लिए। अगला जो है 10 अगस्त 2021 को क्या हुआ कि 10 अगस्त 2021 को RLDA जो है
रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैंडेट कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया कि उनको जो है 49 मोर स्टेशंस को रीडेवलप करना है, फिर से बनाना है। अगला जो है 12 अगस्त 2021 को क्या हुआ, तो 12 अगस्त 2021 को डिसीजन लिया गया कि टॉय ट्रेन बनाना है त्वांग के लिए, जो अरुणाचल प्रदेश का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो त्वांग रीजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो यहाँ के लिए टॉय ट्रेन बनाया जाएगा जो कि 378 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा और वो जो है लगभग जो ऊंचाई है वो 10,000 फीट की ऊंचाई को कवर करेगा। और ये जो ट्रेन है वो मोस्टली जो है वो टनल के जरिए से गुजरेगा बच्चों। अगला जो है 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ, तो 15 अगस्त 2021 को ये डिसीजन लिया गया कि जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, तो 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। जब हमारे देश का जो है आज़ादी का दिवस जो है 75वां साल जब हो जाएगा, तो उसके सम्मान में ये 75 वंदे भारत ट्रेन्स को चलाया जाएगा। अगला जो है 16 अगस्त 2021 को क्या हुआ, तो 16 अगस्त 2021 को रेल मडाट के द्वारा एक हेल्पलाइन बनाया गया 139। तो इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी रेल पैसेंजर जो रेलवे में ट्रेवल कर रहा है वो अपने कंप्लेंट्स को कर सकता है, अपने कंप्लेंट्स को पूछ सकता है कि हमें ये इशू है, इसका क्या सोल्यूशन है। या अगर सिक्योरिटी पर्पज से हो, चाहे कोई चोरी पर्पज से हो, या साफ सफाई के पर्पज से हो, किसी भी पर्पज से या कोई सजेशन देना हो, तभी वो इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकता है। अगला जो है 19 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 19 अगस्त 2021 को इंडिया और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो कि 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट है। तो ये लोन एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया 500 मिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर, तो 500 मिलियन यूएस डॉलर का ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि मेट्रो रेल नेटवर्क जो है बेंगलुरु का उसको हम लोग बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।